मैं डॉक्टर अभय कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट कमलपुरा, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर, संसदीय क्षेत्र वैशाली। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अपने पिताजी श्री रामनाथ शर्मा तथा माताजी कुमारी मंजू का। फिर मैं नमन करता हूँ अपने गुरुओं का। तत्पश्चात मैं नमन करता हूँ वैशाली संसदीय क्षेत्र और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का। आज का विषय है मोदी जी बनाम राहुल गांधी। बड़ी विस्मय की बात है कि एक तरफ मोदी जी ने समाज सेवा हेतु अपने पत्नी का त्याग किया, तो दूसरी तरफ राहुल जी समाज सेवा के लिए आज तक शादी ही नहीं किए। यहाँ एक शोचनीय बात है कि जब कोई व्यक्ति एक महिला के भार का वहन नहीं कर सकता है, एक पत्नी रूपी महिला की जिम्मेवारियों को नहीं निभा सकता है, तो फिर देश और समाज के लिए उनकी कैसी सोच होगी, कैसी धारणा होगी, क्या करेंगे, यह मुझे नहीं समझ में आता। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाया, पत्नी का त्याग कर दिया, अर्थात कि एक भारतीय महिला का भरण पोषण नहीं कर सके, वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। कहीं कहीं दोनों नेताओं में समानता है। खैर, ऐसे मोदी जी और राहुल जी की तुलना उम्र के हिसाब से नहीं की जाती है, क्योंकि दोनों व्यक्ति भारत के प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, एक प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे विपक्ष में हैं। इस आधार पर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना तो आवश्यक है ही। मोदी जी का भाषण होता है, कहते हैं मित्रों मैंने यह किया, मित्रों मैंने वह किया। राहुल जी का भाषण होता है, राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, एक समानता और है। मोदी जी हर समय विदेश घूमते रहते हैं, कभी कभी स्वदेश भी आते हैं। दूसरी तरफ राहुल जी विदेश में रहते ही हैं, कभी कभी वे भी स्वदेश आते हैं। तो दोनों नेताओं में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी विषमताएं भी हैं, लेकिन दोनों नेताओं को साथ लेते हुए ही आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे आरक्षण, भारत के लिए आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपने भारत के संविधान निर्माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से संविधान को तैयार किया। लेकिन संविधान की जो मूल धारणा समानता का अधिकार हुआ, उसका हनन करते हुए जैसे हमको दिया गया कि शिक्षा का सबको अधिकार है, समान अधिकार है, अपने
विचार को प्रकट करने का सबको समान अधिकार है, इसी तरह विभिन्न तरह के मुद्दों पर समानता दी गई, लेकिन साथ ही दलित पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था दी गई। लेकिन आरक्षण जैसी व्यवस्था की एक समय सीमा थी। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आज तक समानता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी और हम और भारतीय राजनीतिज्ञ आरक्षण के सहारे अपने वोट बैंक को मजबूत करते रहे सत्ता की प्राप्ति के लिए। अब जरा सोचिए कि जिन जातियों को, यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, जिस समय संविधान तैयार किया गया उस समय कोई आर्थिक डाटा हमारे पास ऐसा नहीं था जिसके कारण हो सके कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया हो, या ऐसा भी था कि जातीय आधार पर ही वे लोग इतने दलित थे, पिछड़े थे कि उसी तरह उनको आरक्षण की आवश्यकता थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज उन आरक्षित वर्गों के बहुतायत लोग सामान्य लोगों के अपेक्षा भी बहुत ही संपन्न हैं, सक्षम हैं। मैं एक सवाल करता हूं कि क्या उनको भी आज आरक्षण की आवश्यकता है, और अगर उनको आरक्षण दिया जाता है तो क्या उनसे उन्हीं जातियों के अशिक्षित गरीब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता है? क्या इस बात को जो भारत के राजनीतिज्ञ हैं उसको नहीं समझते हैं? लेकिन भाइयों, बात यहाँ ऐसी है कि जो नेता चुन लिए जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्र से, या जो उच्च पदों पर चले जाते हैं, वे हम दलितों, गरीबों या किसी भी जाति के हो, उसके साथी रह नहीं जाते हैं, वे तो उनके ही साथी हो जाते हैं जो कथित समान वर्ग के संभ्रांत लोग हैं। इसका विरोध कोई भी राजनेता नहीं करते हैं, इसलिए कि वे जानते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो इससे हमारे परिवार को नुकसान होगा, हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि कुछ सीमित लोग ही आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने आस पड़ोस के में ही झांके और देखे कि आरक्षित वर्ग के ही कितने गरीब लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिल पाता है। जहां तक मेरी समझ है, मैं समझता हूं कि आरक्षित वर्गों के उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है जो आज आरक्षण के पात्र नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक संघर्ष करना होगा, यहाँ पर हमें एक आंदोलन करना होगा, क्योंकि समस्याएं तो हैं। जैसे अभी भी आरक्षित वर्ग में ऐसी स्थिति है कि काफ़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं, कहने के लिए तो विद्यालय जाते हैं लेकिन विद्यालय परीक्षा की औपचारिकता पूरा करती है और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, लेकिन अशिक्षा तो है ही, और जहां अशिक्षा है वहीं पर वोट बैंक है। इस बात को बखूबी राजनेता समझते हैं। यही कारण है कि वे उस जाति के जो योग्य और जानकार लोग हैं उनको तो आरक्षण का लाभ पहुंचाते ही हैं, साथ ही उनके द्वारा ही प्रेरित किया जाता है उन लोगों को किसी राजनेता के पक्ष में मतदान करने के लिए, क्योंकि वे अभी भी काफ़ी नासमझ हैं, इसलिए उनके गलत सुझावों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने ही वर्ग के संभ्रांत लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं और स्वयं उस लाभ से वंचित रह जाते हैं।
तो आज आवश्यकता है संघर्ष करने की, इस बात को समझने की, समझाने की कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, नहीं कि जाति के आधार पर। जैसे पहले भी दूसरी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी या फिर गैर कांग्रेसी सरकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन किसी सरकार को यह हिम्मत नहीं हुई है कि आर्थिक आरक्षण पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने की बात सोचे या उसकी समीक्षा करे या किसी जांच कमेटी को यह सौंपे कि इसका मूल्यांकन किया जाए।